विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक नए विषय के साथ। लेकिन इसके पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की किसी बात को मैं अपने शब्दों में उसे आकार दे सकती हूँ तो आप मुझे इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मुझे लगेगा कि वो मेरी कैपेसिटी में है तो मैं उसे ज़रूर आपके लिए प्रस्तुत करना चाहूँगी। आप बाय मी ए कॉफ़ी के ऐप पर जा करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए कम से कम एक कॉफ़ी या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा उतनी कॉफ़ी ले सकते हैं। पंचतंत्र की कथा आप सबने सुनी होगी। मैं आपको पंचतंत्र की कथा का एक लेटेस्ट वर्जन लेकर के आ रही हूँ और वो मेरा वर्जन नहीं है, वो वर्जन है हिंदी के मशहूर कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और उन सबसे ऊपर नाटककार डॉक्टर प्रताप सहगल का। सुनिएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। कहानी तो आप जानते हैं, कौवे और लोमड़ी की कहानी, कि एक कौवा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। एक लोमड़ी नीचे से आई, उसने देखा, उसने कहा कि कौवे भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवा फूल करके कुप्पा हो गया और उसने काँव काँव करना शुरू किया। रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया और लोमड़ी उसे लेकर के भाग गई। ये कहानी थी। अब इस कहानी को डॉक्टर प्रताप सहगल ने इसके कई कई वर्जन बनाए कि पीढ़ियां बदलती गईं और कैसे कैसे पीढ़ियां बदलती गईं और कैसे कैसे इसके वर्जन बनते गए। बस वही मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। थोड़ा किस्सा गोई जैसा था तो हमने थोड़ा कुछ सोचा कि चलो किस्सा गोई जैसा माहौल बना लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं कि इसका नाम है एक कहानी। मेरे पिता ने मुझे एक कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने काँव काँव करना शुरू किया। रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा और लोमड़ी उठाकर भाग गई। मैंने अपने बेटे को कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने रोटी के टुकड़े को चोंच से निकालकर अपने पंजे के नीचे दबा लिया और काँव काँव करने लगा। मेरे बेटे ने अपने बेटे को कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। पेड़ के नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने रोटी के टुकड़े को इत्मीनान से खाया और काँव काँव करने लगा। मेरे पोते ने अपने बेटे को कहानी सुनाई। एक कौवा पेड़ पर बैठा था, पेड़ के नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने सुना और रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाए पेड़ से उड़ गया। अंततः यूं हुआ, एक कौवा पेड़ पर बैठा था। अंततः यूं हुआ, एक कौवा पेड़ पर बैठा था, उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। पेड़ के नीचे से गुजरती एक लोमड़ी ने कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। उसने कहा, कौवे कौवे तुम बहुत अच्छा गाते हो। कौवे ने सुना, उसकी आँखों ने कुछ देखा और वह टुकड़ा चोंच में दबाए उड़ गया। लोमड़ी दुविधा की हालत में खड़ी ही थी कि कौवा दल बदल सहित लौट आया और उन सभी ने लोमड़ी पर हल्ला बोल दिया। बस आपसे एक विनती है कि कहानी के अंतिम अंश को आप सच न माने। यह मात्र मेरी सदिच्छा है। तो ये थी डॉक्टर प्रताप सहगल की कविता एक कहानी, जो उन्होंने पंचतंत्र से ली थी और इसको अपने एक आज के पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में किस तरह से हमारा समाज और हम बदल रहे हैं उसके बारे में उसे इंटरप्रेट करते हुए बड़े ही मनोरंजक तरीके से उन्होंने लिखा और मेरे अनुरोध पर उन्होंने यह किताब मुझे भेजी और इस कविता को पढ़ने की इजाज़त दी। डॉक्टर प्रताप सहगल हिंदी के कवि, उपन्यासकार,
लेखक और नाटककार हैं और बेहद महत्वपूर्ण नाटककार हैं। उनकी रचनाएं पढ़ना, उनके नाटक को देखना और समझना, ये अपने आप में एक अभ्यास है। अगली बार हम फिर से आपके साथ आएंगे किसी नए विषय के साथ, नए कलेवर के साथ। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए और चलते चलते फिर से वही एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलते चलते बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जा करके हमारे लिए एक कॉफी खरीदे, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी। नमस्कार, शब खैर, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं जी। प्रणाम।